उसी लोकेशन के पास में जहाँ राधे भैया मिले थे, ये वही मकान है। देखना चाहता हूँ उस आत्मा तक, मुझे ले जा सकती हो तुम? क्या कोई इशारा दे सकती हो मुझे किधर है वो? यकन को वही उसका चेहरा बहुत कितने आप मैंने देखा उसका चेहरा। जय श्री राम भाइयों, मैं आपका भाई जितेंद्र मारोटिया स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। और एक बार फिर उसी लोकेशन पे जहां पे राधे भैया के साथ में लास्ट टाइम हादसा हुआ था। आप कहोगे यार जितेंद्र भाई आप वापस अकेला और पीछे तो कोई लोकेशन ही नहीं दिख रही है, तो एक चीज़ बता दूं दोस्तों, मैं जिस जगह खड़ा हूँ जहाँ पे इस साइड के अंदर पड़ती है सीमा वाली लोकेशन, जहाँ पे सीमा की आत्मा कंटिन्यू दिखाई देती है, और एक ये रास्ता है जहाँ पे राधे भैया हमारे को लास्ट टाइम बाबा साहब को और मुझे हमीदा की मदद से वहाँ पे राधे भैया मिल गए थे। दोस्तों मैं वापस दोबारा इसलिए आया हूँ यहाँ पे क्योंकि जो राधे भैया के साथ में हादसा हुआ था, जो स्पिरिट उनको लेके गई थी उस घर पे, उनको ना मैंने देखा, ना मुझे हमीदा ने दिखाया, ना बाबा साहब ने उस चीज़ को देखा। इस चीज़ को क्लियर करने के लिए आपका भाई बिल्कुल अकेला इस लोकेशन पे आया, बिना इन्फॉर्मेशन के किसी के भी, ना मैंने राधे भैया को बोला, ना मैंने अपनी फैमिली को बोला है कि मैं उस लोकेशन पे दोबारा जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सेंसिटिव लोकेशन है क्योंकि उस आत्मा को अभी तक ना तो मेरे कैमरा रिकॉर्ड कर सका ना मैंने देखा है। दोस्तों प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, मैं केवल ट्रिक्स उठा रहा हूँ केवल। कौन है? मैं ये रिक्स उठा रहा हूँ केवल आपके प्यार की वजह से, क्योंकि आपने मुझे हमें ये बोला था कि राधे भैया की आगे की वीडियो शूट करके बताओ। मगर दोस्तों एक चीज़ बताऊँ, ना वो आत्मा हमें दिखी थी, केवल राधे भैया को हम जो लेके गए थे वो वीडियो मैंने रोक दी। अब मुझे ये पता करना है कि मेरे भाई राधे भैया को अगर कोई चीज वो चीज़ नुकसान पहुँचा सकती है, तो वो चीज़ मेरे आंखों के सामने क्यों नहीं आई? उस चीज़ को क्लियर करने के लिए उसी रूम पे आपका भाई बिल्कुल अकेला पहुँचेगा। तो यार प्लीज़ आपके हाथ जोड़ के निवेदन है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो यार प्लीज़ लाइक, क्योंकि लाइक का कोई पैसा नहीं मिलता। और ज़्यादा टाइम मैं भी ख़राब नहीं करूँगा कि ऑलरेडी मुझे यहाँ पे 12:45 के आसपास हो चुके हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, मेरा कैमरा ट्राईपोड पे लगा हुआ है, एक कट आ तो मेंशन मत करना, सीधा उसी लोकेशन पे आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे वो आत्मा आज भी वहाँ पे निवास करती है या नहीं करती, या मुझे दिखती है या नहीं दिखती है। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा दोस्तों, सीधे चलता हूँ लोकेशन पे। दोस्तों मैं जहाँ पे राधे भैया मिले थे उस लोकेशन के पास में पहुँच चुका हूँ। मुझे ये चीज़ देखनी है, अगर मुझे वो स्पिरिट नज़र आती है तो मुझे देखना है कि वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक थी कि वो राधे भैया को अपने रूम तक ले जा सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। बस मुझे ये देखना है कि वो ऐसा क्या है उसके अंदर, ऐसी कौन है जो हमारे को अभी तक दिखी नहीं है। उस चीज़ को क्लियर करने के लिए आपका भाई आया है। और हाँ दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ मैं, कि केवल मैं यहाँ पर आने के पहले अपने गुरुदेव से ज़रूर मिला था, उन्होंने कुछ सेफ्टियाँ मेरे को दिए, उनको मैंने क्लियर बोला था कि मैं अकेला बिल्कुल लोकेशन विजिट करने जा रहा हूँ, तो उन्होंने कुछ तंत्र मंत्र मुझे देके और कुछ सेफ्टी दिए जो मेरे जेब में पड़ी है। आगे बढ़ता हूँ और एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, जहाँ पे राधे भैया मिले थे मुझे, वहाँ एक अजीबो गरीब सा एक मकान ज़रूर दिखा था मुझे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद हो सकता है जो वो आत्मा है, हो सकता है कि पुराने समय में उसका मकान रहा हो, वो ये भी हो सकता है, क्योंकि उसके बिल्कुल बगल के अंदर ही राधे भैया मुझे लास्ट टाइम मिले थे। तो मैं टाइम ख़राब नहीं करता हूँ और सीधा आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बिजलियाँ भी चमक रही है चारों तरफ। ये भगवान मेरी मदद करना कि मैं पता लगा पाऊँ कि वो चीज़ क्या थी
जो राधे भैया को उठा के ले गई और उन पर हमला करा था। शायद दोस्तों आपको एक मकान दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वही मकान है दोस्तों जहाँ पे राधे भैया मिले थे, उसके पास में मकान था, वो मकान है। और जो रूम है वो इसके पास में है बिल्कुल, उसके ऊपर भी मैं आपको लेके चलता हूँ। शायद हो सकता है वो आत्मा कहीं ना कहीं मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। हे भगवान मेरी मदद करना, मगर मुझे अभी तक कोई भी चीज़ यहाँ पे दिखी नज़र नहीं आई है। हे भगवान अगर सीमा की आत्मा सही है तो मेरी मदद करवाना सीमा से। क्या सीमा तुम मेरे आसपास हो? क्या तुम मेरी मदद करोगी? क्या उस आत्मा से मेरी मदद करोगी? अगर तुम मेरी आवाज़ सुन सकती हो तो देखो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ पे भी हो मेरी मदद करो, उस आत्मा से मुझे बचाओ। मैं उसके इलाके में आ चुका हूँ और मुझे उस आत्मा को देखना है। प्लीज़ मुझे बताओ कि वो आत्मा कौन है, क्या है, और ये मकान जो दिख रहा है क्या उसी का मकान है? अगर ये मकान उसी का है तो प्लीज़ मुझे सामने आओ मेरे और मुझे दिखो और मुझे बताओ कि वो कौन है, क्या है। सबसे पहले वो मकान दिखाता हूँ दोस्तों मैं आपको। उसी लोकेशन के पास में जहाँ राधे भैया मिले थे, ये वही मकान है दोस्तों। क्या सीमा तुम मेरी मदद करोगी? अगर मेरी मदद कर सकती हो तो सामने आओ मेरे, और हम सिर्फ तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ पे आए थे। प्लीज सामने आओ मेरे। ओ बाप रे यार, कितना खतरनाक पेड़ है ये भी दोस्तों। आप लोकेशन देख सकते हो कितनी खतरनाक है। ये क्या चीज है? ये कुछ है यार दोस्तों, ऊपर शायद कुछ ऊपर छत पे नजर आ रहा है शायद। दोस्तों ये शायद वही खतरनाक आत्मा तो नहीं है, ये सामने खड़ी है कोई, पता नहीं है कौन है, सीमा है या सीमा के अलावा वो दूसरी आत्मा है। मैं पास में जाके देखता हूँ एक बार। क्या सीमा तुम हो? दोस्तों शायद ये तो सीमा है, शायद मेरी आवाज सुन के सीमा आई है। ये सीमा है, कंफर्म बोल सकता हूँ मैं, ये सीमा ही है। सीमा देखो, अगर ये तुम ही हो तो प्लीज, मैं यहाँ पे आज इसलिए आया हूँ क्योंकि जो आत्मा राधे भैया को नुकसान पहुँचा सकती है वो शायद मेरे साथ में भी कुछ भी कर सकती है। मुझे तुम्हारे सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे उस आत्मा को आज देखना है जो आत्मा मेरे भाई को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी और वो उस रूम तक लेके गई। क्या तुम मुझे? दोस्तों ये सीमा ही है, ये सीमा ही है दोस्तों। क्या तुम मुझे उस आत्मा तक ले जा सकती हो? या कोई मुझे, कौन है पीछे? कोई था पीछे? कोई था दोस्तों, 100% मैं बता सकता हूँ। शायद दोस्तों आप अगर आवाज़ सुन सकते हो तो सुनो, एक पायल की आवाज़ शायद, क्या पता मुझे सुनाई दे रही है, ये कैमरे में भी रिकॉर्ड हो रही है। एक अजीब सी पायल की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है यहाँ पे। कौन है? कौन है यार यहाँ पे? ये तो सीमा ही है, ये तो मैं 100% कह सकता हूँ ये सीमा है, नहीं तो मुझे नुकसान पहुँचा चुकी होती। सीमा प्लीज मेरी मदद करो, जो शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि हमारी आंखों के सामने मेरे भाई को यहाँ के यहाँ पे ले जा सकती है, वो मुझे भी कुछ कर सकती है। मगर मुझे पता है तुम मेरी मदद करोगी, उस आत्मा से मुझे बचाओगी। बस मुझे एक बार देखना है कि वो आत्मा कौन है, वो दिखती कैसी है, वो रहती कहाँ पे है, क्योंकि हम उस रूम में गए थे जब वो आत्मा हमें ना तो बाबा साहब को दिखाई दी ना मुझे दिखाई दी। प्लीज मुझे बताओ, और क्या ये घर जो अभी जिस पे आप खड़े हो, ये घर उसी का है, उसी आत्मा का है? कोई इशारा दो मुझे।
देखो मेरी मदद करो। बाप रे यार, देखो मेरी मदद करो, मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरा सारा बनके मेरे साथ चलो, और जहाँ पे भी वो आत्मा है उस आत्मा तक मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, उस आत्मा तक मुझे ले जा सकती हो तुम? क्या कोई इशारा दे सकती हो मुझे किधर है वो? मैं खुद चला जाऊंगा। कोई इशारा नहीं दे रही है, पता नहीं यार ये सीमा ही है या सीमा के बेस में कोई दूसरी आत्मा है, समझ में नहीं आ रहा है। कौन है दोस्तों? इधर से फिर मेरे को पायल की आवाज आई। 100% कह सकता हूँ किसी पायल की आवाज है, और वो चीज मेरे आगे आसपास ही है। मुझे बता सकती हो क्या वो आत्मा मेरे आसपास है? क्या मुझे बता सकती हो कि वो आत्मा किधर है? कोई इशारा दो मुझे, कोई इशारा दो। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज हम जो भी कर रहे हैं आपके लिए ही कर रहे हैं, यहाँ पे इशारा दो। दोस्तों यार कोई इशारा भी नहीं मिल रहा है, और मौसम भी बहुत ज्यादा खराब हो गया, और अजीब सी पायल की आवाज आ रही है कंटिन्यू। कौन हो मेरे आसपास, कौन हो? प्लीज इशारा दो, मतलब इस तरफ है। दोस्तों आप देख सकते हो सीमा इशारा कर रही है। देखो सीमा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, तुम मेरी मदद करोगी, मेरे आगे पीछे रहोगी, मैं देखने जा रहा हूँ उसको। पता नहीं क्या चीज थी ये, सीमा ने तो इशारा करा उसी रूम की तरफ। सीमा हो सकता है मेरे सपोर्ट के लिए आगे गई हो, वो गायब हो चुकी है यहाँ से। मैं उसी रूम की तरफ जा रहा हूँ दोस्तों, शायद हो सकता है सीमा ने इशारा कराओ तो आज उस चीज का चेहरा दिख जाए, या वो चीज मेरे कैमरे के सामने आए। हे गुरुदेव, जो आपने सेफ्टी दी है मुझे, मेरी रक्षा कराना प्लीज। जय श्री राम, जय बजरंगबली। मैं उसी रूम की तरफ जा रहा हूँ, खतरा बहुत ज्यादा है, केवल एक मैं सीमा के सहारे ही आगे बढ़ रहा हूँ। दोस्तों वो रूम जहाँ पे राधे भैया मिले थे वो बिल्कुल सामने ही है, और मुझे ये देखना है कि वो चीज़ दिखती है या नहीं दिखती है। दोस्तों कोई चीज़, वो रूम दिख रहा है और ऊपर पता नहीं क्या चीज़ नज़र आ रही है हल्की सी, पता नहीं क्या चीज़ है वो, शायद हो सकता है कोई पेड़ का तना हो। हे बजरंगबली भगवान मेरी रक्षा करना, हे बजरंगबली भगवान मेरी रक्षा करना। मैं यहीं से देखता हूँ। अरे बाप रे, अरे बाप रे, कोई है चीज, अरे बाप रे, आज पहली बार उस चीज़ से सामना हुआ है जो चीज़ राधे भैया को लेके गई थी। हे बजरंगबली भगवान मेरी रक्षा करना इस चीज़ से, सीमा मेरी रक्षा करना, मैं इसके पास में जा रहा हूँ। डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं इससे, मुझे मेरे गुरुदेव पर पूरा भरोसा है, ये मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकती, ये मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकती, ये मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकती। क्या तुम वही हो जिसने राधे भैया को नुकसान पहुंचाया? कौन है?
क्या तुम वही हो? ये कंफर्म वही है, उसका चेहरा बहुत खतरनाक है, मैंने देखा है उसका चेहरा। फर्स्ट टाइम उसका चेहरा देखा मैंने।